नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे जिले के पत्रकारों को किया सम्मानित। जनपद कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के चेयरमैन श्री मतीन कादरी के कन्नौज स्थित आवास पर कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे जिले के पत्रकारों को संस्था की ओर से कोरोना वॉरियर्स सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मतीन कादरी ने कहा कि कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकार भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर जनता को जागरूक कर उन तक निष्पक्ष खबरें पहुँचाते रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठाकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। कोरोना काल में पत्रकारों के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण संगठन ने आज जिले के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर सम्मान पत्र देकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अफसर अली, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर तबस्सुम कादरी, प्रदेश सचिव अर्श जहां, किरण वर्मा, जिला अध्यक्ष अंशुपाल, गीता देवी आदि लोग मौजूद रहे। मतीन साहब के आवास पर किस तरीके का आज सम्मानित किया जा रहा है लोगों को? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण संगठन की ओर से आज पत्रकारों का यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया। यहाँ पे कोरोना काल को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग जो भी नियम है उनका पालन किया गया। कई पत्रकार साथियों का यहाँ सम्मान किया गया जो ऐसे समय में भी जान की परवाह किए बिना सूचनाएँ निकाल के पब्लिक तक पहुँचाते हैं, उनको उनके बेहतर कार्य के लिए यहाँ पे संगठन के द्वारा सम्मान किया गया। मैं समझता हूँ पत्रकार एक लोक सेवक होता है और लोक सेवक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उसका सम्मान होता है। सम्मान किसी व्यक्ति को वही व्यक्ति दे सकता है जो खुद सम्मानित होता है। इसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निर्णायिका उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कारण रहा कि संगठन के लोग बहुत ही कम लोग इकट्ठा हो पाए? नहीं, ये तो क्योंकि नियम के पालन करने वाले लोग हैं, कोरोना काल में ये सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण ना फैले इसके लिए इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। उसी का पालन करते हुए हमें लगता है संगठन के कम ही लोग बुलाए गए, जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन्हीं को बुलाया गया। आज आपने अपने आवास पे किस तरीके का था प्रोग्राम किया? आज जो है आज हमने पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा, जो हमारे इसमें महामारी में जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जान की बाजी लगा के हर जगह पे उन्होंने हर खबरों को जनता तक पहुंचाया, हर अधिकारी को अलर्ट किया और उसके लिए हम लोग सब लोग आभारी हैं, ताकि हम लोग उनको हर वक्त पे हर महीने हर साल में उनका उत्साह बढ़ाते रहें। आज वो कार्यक्रम हमने किया है ताकि इनको उत्साह बढ़कर लोगों को हमेशा बढ़ाते रहें। ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है ताकि पत्रकार बंधुओं का हौसला और भी अच्छी तरीके बढ़ता रहे। सम्मान जब हो रहा था तो संगठन के लोग कितने मौजूद थे आपके? संगठन के हमारे कार्यकर्ता बहुत ही कम स्टैंड में आज हमने इसलिए रखे क्योंकि बहुत ही कम लोगों को बुलाया, क्योंकि आज इस टाइम पे जो महामारी का जो चलता है तो इसी वजह से आज हमने करीब 5 से 7 लोगों केवल हमने बुलाया, ज़्यादा लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। क्या नाम है उनके जो मौके पर मौजूद हैं? जैसे कि हमारे आज हमारे अपने कोषाध्यक्ष राशि अफसर अली एडवोकेट और हमारे अंशुपाल जो हमने उनको नया जिलाध्यक्ष बनाया है, हमारी महिला की जिलाध्यक्ष गीता जी और प्रदेश सचिव हमारी क्या नाम है किरण वर्मा जी और अर्श जहां और हमारी अभी वो बेटी तबस्सुम कादरी एडवोकेट वो भी हाईकोर्ट की एडवोकेट इस समय गरीब है उनकी लॉकडाउन का उल्लंघन कर। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।